भीम द्वारा जयद्रथ की दुर्गति। महाभारत में एक बार पांचों पांडव जरूरी काम से बाहर गए हुए थे। उस समय द्रौपदी, उसकी एक दासी और पुरोहित धौम्य ही आश्रम में थे। उसी समय सिंधु देश के राजा जयद्रथ, जो विवाह की इच्छा से शाल्व देश जा रहे थे, उधर से निकले। जयद्रथ की नजर द्रौपदी पर गई और उसने द्रौपदी का हरण कर लिया, जिसके बाद भीम और अर्जुन ने जयद्रथ को आगे से घेर लिया और उसकी छोटी पकड़ ली। फिर क्रोध में आकर भीम ने उसे पृथ्वी पर पटक दिया और उस पर लातों और घूंसों से हमला करना शुरू कर दिया। जयद्रथ को वरदान प्राप्त था कि जो कोई भी उसे मारकर उसका सिर धड़ से अलग कर देगा, उसका भी यही हश्र होगा। जयद्रथ का सिर जमीन को छूने की स्थिति में उसका सिर काटने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का भी सिर फट जाएगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया कि जयद्रथ को इस तरह मारें कि उसका सर पृथ्वी पर न गिरकर उसके स्वयं के पिता की गोद में गिरे। अर्जुन ने श्री कृष्ण की चेतावनी ध्यान से सुनी और अपनी लक्ष्य की ओर ध्यान कर बाण छोड़ दिया। उस बाण ने जयद्रथ का सिर धड़ से अलग कर दिया और उसे लेकर सीधा जयद्रथ के पिता की गोद में जाकर गिरा। जयद्रथ का पिता चौंक कर उठा तो उसकी गोद में से सिर जमीन पर गिर गया। सिर के जमीन पर गिरते ही उनके सिर के भी 100 टुकड़े हो गए।